So have fun, enjoy with us. Let's go. सब बेसिस किस हिसाब से होता है कि ये जो भी इसके व्यूअर हैं, जो भी ऑडियंस हैं,
वो इसको देखने कैसे हो, सारा डिजाइन उसके हिसाब से, लाइक दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट रिमेन अनटाइटल्ड, दो चीजें इंपॉर्टेंट बट दे मस्ट हैव मीनिंग विद देम बट फ्रंट से व्हेन वी लुक एट इट वेरी केयरफुली. और हम लोग जब बुक कवर डिजाइन करते हैं ना तो हम लोग This is light painting of Amir for Jaipur. सबसे पहले आप बुक को स्पाइन से देखते हैं. बुक हमेशा किसी रैक पर पड़ी हो ना तो ऐसे ऐसे स्टैक होती है, तो आप ये स्पाइन से बोलते हैं. उसके बाद भी करता है तो आपका फ्रंट बैक और स्पाइन तीनों चीजें डिजाइन करनी है. बेसिक मॉरल ऑफ दैट बेसिक टाइप ऑफ फ्लावर्स. हाँ जैसे आपने सही देखा भी कैसे करते हैं, थीम कैसे करते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं बन सकते, लव स्टोरी है तो वो हार्ट शॉट्स बने होंगे, कबूतर कबूतर सीन ऑफ सम डाउन सिंबॉलिक शोन इन डिफरेंट लेआउट. कोई मर्डर मिस्ट्री है तो दिखाएंगे टाइम और अच्छा. दिस अगेन इज अ लाइट पेंटिंग ऑफ रेड फोर्ट. And all the paintings are made by our students. These are some portraits made with pencil shades. So real. Artworks like these require too much patience and they come out to be so perfect. This is oil painting, a portrait. This again is another oil painting, and this portrait too. Artists try to depict Indian heritage in this face, primarily of Rajasthan. The architecture of Rajasthan in itself is too famous. All of them are creating a very good contrast with their backgrounds. These are streets of India, the towns. All the colors are making it so beautiful. All these are abstract paintings. When you look at them and ignore, they won't give you a meaning, but looking at them carefully for at least 2-3 seconds, we get to know what actually it is.
and how good it is. Everyone has some human figures or some objects in it, merged with colors. The contrasting colors are making it very beautiful, very fascinating. The painting has two scenes, I'm sure, and both in contrasting colors. This again is an abstract art. Very good artists here making their life paintings. We'll introduce to them one by one. Artworks are without colors, but still one of the best ones. Every one of them have some very deep meaning with it. Eyes of fish. All of the artists are doing great works, and I'm sure all the paintings will come out to be best. क्या बना रहे हैं? मैं नेचर के रिलेटेड बना रही हूँ, मतलब थोड़ा तेज. मैं ना नेचर को बना रही हूँ. नेचर आप क्या बना रहे हैं? मैं चाय बना रही हूँ. सॉरी, चाय. मैं चाय किस तरह से हमें जोड़ कर रखती है, चाय किस तरह से हमें जोड़ के रखती है, टाइम अकॉर्डिंग किस तरह से सब. अगर एचिंग में डालोगे ना तो काम बहुत अच्छा निकलता है. क्या आइडियाज आपके, आपके क्या आइडियाज हैं इसको लेके? इसमें मैं मतलब क्रिएटिव है, और मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं ना अलग अलग, उस गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको लेके मैं कुछ अलग क्रिएटिव करती हूँ. और आप मेनली ये दो कलर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक एंड रेड? क्योंकि उधर ज़्यादातर रेड और उसका कॉम्बिनेशन चलता है ना. आप क्या
कोविड पे बना रही हूँ. कोविड पे और बुद्धा दोनों को रिलेट करती हूँ. कोविड एंड बुद्धा. और आई थिंक ये कलर थीम क्यों चूज़ की है? बिकॉज ये पूरा कूल कलर है. ये वाला जो ब्लू कलर है वो कूल कलर है. हाँ जी. और ये मैं जैसे स्काई होता है ना उसको भी इंडिकेट कर रही हूँ. स्काई को और कूल कलर को, मतलब हमें कोविड को बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो, है ना, तो मैं उसको मतलब शांत करने के लिए ऐसा होता है ना वैसा वाला थोड़ा इंडिकेट करना चाहती हूँ. आप क्या कर रहे हैं? आपने ये टेक्सचर क्यों दिया है इसको? ये मतलब जिसके खेत वगैरह होते ना तो थोड़े उबड़ खाबड़. हाँ, वैसे वो लाइंस वगैरह. और ये आप इसमें क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं? मतलब कि पहले कैसे, मतलब अभी तो आजकल ट्रैक्टरों से खेती करने लग गए, पहले बैल से खेती करते सब कुछ, बैलगाड़ी वगैरह में, और बैल से ही पानी खींचते थे कुएं से, तो सब कुछ बैल वगैरह पे, और हल जो होता है लकड़ी का उससे खेती करते थे. आजकल तो सब कुछ ट्रैक्टर लोहे का हल आ गए, इतना चेंज हो गया सब कुछ. पहले जैसे देखने को कुछ नहीं मिलता. आपका टेक्स्चर अच्छा लगा. हेरिटेज पे ये है कि मतलब कि जो अपनी पुरानी विरासत है, कि लोग है कि मंदिर वगैरह तो नए बनवा देते हैं लेकिन जो पुरानी हेरिटेज जो है अपना, तो उन पे कोई ध्यान नहीं देता. कि जो टूटा है वो टूटा ही रहता है. कि ठीक है, मान लिया कि बड़ी सिटी के अंदर है, सिटी में है तो उसको तो रिपेयर करवा भी देते हैं, लेकिन गाँव वगैरह में उन पर रिपेयर कोई ध्यान नहीं देता. तो मेरा ये है कि मतलब कि जो मंदिर वगैरह पे जैसे ध्यान देते हैं ना, वैसे लोगों को है ना हेरिटेज पे भी ध्यान देना चाहिए. कि जैसे कोई मंदिर वगैरह या कोई पुरानी चीज़ कहीं पे मिलती है, लोग क्या करते हैं उसको तोड़ा फोड़ा करके वहाँ से पत्थर निकाल के लेके चले जाते हैं, ईंटें लेके चले जाते हैं. तो वहाँ उसको है ना तोड़ने की बजाय उसको वापस रिपेयर करो. कि हाँ भाई, कि वो चीज़ हम तो देख रहे हैं लेकिन हमारी पीढ़ियाँ भी देख सकते. कलर्स ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं जैसे पहले पानी और उसके ऊपर फिर कलर्स? हाँ, तो फिर बाद में सबकी अलग टेक्निक होती है. हाँ, किस तरीके से काम करते आप क्या बना रहे हैं? मैं कुमार का जो जीवन होता है ना, जिस चीज़ से एक कुमार का जीवन चलता है उस चीज़ को बना रहा हूँ. के मतलब एक उसका परिवार, उसका जो समाज है जिस चीज़ से चलता है ना, उस चीज़ को बना मोटो लेके उसको. तो वो सब इसमें डिपिक्ट हो रहा है. हाँ, जिसे अपन जैसे भी कहीं भी जाते हैं तो अभी प्रेजेंट के अंदर अपने घर पे मटके वगैरह कम रहते हैं. देखा हो कभी अपन? हाँ. कुमार को कोई अहमियत नहीं है अपनी, कोई अहमियत नहीं है. सड़क पे कुमार बैठा हुआ है तो कोई अहमियत नहीं है, वो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है. आप तो ऐसा नहीं है कि उसके पास जाओगे मटके खरीदोगे वो लोग, क्योंकि आपके यूज में आएंगे ही नहीं. आपके ऑलरेडी सामान रखा हुआ है घर पे, तो उसका कोई यूज ही नहीं है. तो उस चीज़ को दिखाते हुए कि वो एक उसे मिट्टी के कण को एक मटके के रूप में देता है, जो एक मेहनत लगती है उसकी, जो एक कारीगरी लगती है एक मिट्टी को उबालने के प्रति, उस चीज़ को दिखाने के लिए. इसलिए आप इससे क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं? मैं इस टैंक के अंदर है ना जो ट्रेन दिखा रही हूँ, जैसे ट्रेन से आवाज़ चल चुकी है, इस टैंक के अंदर ट्रेन दिखा रही हूँ. इस टैंक के अंदर ट्रेन, उससे क्या बताना चाहते हैं? एक तो मतलब ट्रेन से जो धुआं निकलता है उसको, और ट्रेन से मतलब व्यापार कितना सारा जो भी सामान होता है ट्रांसफर होता है ट्रेन से होता है, उस चीज़ को लेकर. आपने क्या बना रहे हैं? हाँ, क्या बना रहे हैं? मेंटल हेल्थ के ऊपर है मेरा टॉपिक, तो उस पर पेंटिंग कर रहे हैं, चारकोल कर रहे हैं. सॉरी, चारकोल आर्ट यूज़ कर रहे हैं? हाँ. आप भी सेम यूज़ कर रहे हैं? हाँ. और ये आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं? पॉवर्टी में, मतलब कोरोना के टाइम पॉवर्टी, मतलब पुअर पीपल जो होते हैं इनका कोरोना मेन कंसर्न नहीं होता ना, भूख होती है. हाँ.
आप क्या कर रहे हैं? पॉक्स। इससे आप क्या डिपिक करना चाहते हैं? पॉक्स जस्ट अ नॉर्मल पॉक्स। एंड करते नेक्स्ट अभी कौन है?